चिकित्सा मंत्री परसारी लाल मीणा आज दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने यहां जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और दौसा सहित प्रदेश भर से अस्पतालों में मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ओपीडी और आईपीडी पर्चियां फ्री हैं, लेकिन डॉक्टर सीट पर नहीं बैठ रहे हैं। साथ ही दवाइयां फ्री होने के बावजूद भी बाहर से दवाइयां मंगवाने की शिकायतें आ रही हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिले की विकास की समीक्षा की थी और जो भी मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाएं की थी उनका समय पर पालन हो उनकी समीक्षा की गई थी। पूरे जिले की सड़कों का, पानी का, बिजली का, सबका ही था। कोई विशेष बात नहीं थी, आपने सब सुना है। सर, अस्पताल में क्या कमियां करेंगे? ठीक करेंगे। आईपीडी ओपीडी फ्री किया हमने, अगर इसमें किसी की गफलत मिली तो सस्पेंड कर देंगे। डॉक्टर साहब को कह दिया कि इसमें जो भी गफलत करे सारी जांच, सारी दवाइयां, सारी फ्री, और पेशेंट को कोई पर्ची नहीं देंगे। आईपीडी वालों को वहीं दवाई देंगे, पर्ची नहीं देंगे, और पूरी जांच फ्री कर दी। चाहे कोई भी जांच आउटसोर्स से जांच कराएगा उसकी पेमेंट भी सरकार करेगी।